आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस दफ़ा का मंशूर है उसमें बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह इनकलाबी प्रोग्राम्स होंगे। मैं उस वक्त से पहले आपसे पूरा जो तमाम पॉइंट्स है उसमें वो तो शेयर नहीं करना चाहूँगा। आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको एक अवाम दोस्त मंशूर बना के देंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो पीडीएम की हुकूमत में बिलावल भुट्टो एक फूल पर बैठे खातिया बन गए और अब जो है लेवल प्लेन फील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ये इस तब्दीली की क्या वजह है? एक तो या तो आप उनके आंख का तारा थे और अब आप लेवल प्लेन फील्डिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप जो सवाल करेंगे ना, वो उस सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर आप मुझे वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। मुझसे सवाल किया गया सखर में, मैंने उसके सवाल का जवाब दिया गया। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूँ तो क्या करूँ? एक सवाल है आपसे सर, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ में और पूरे पंजाब में बड़ी तरक्की की है, लेकिन ये बताइएगा कि जो आवाम अब जब तक इलेक्शन नहीं होते ये भूत के बारे बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, इसका भी कोई हल है आपके पास, क्योंकि आप इसी PDM का एक हिस्सा भी रहे हैं? तो PDM का हिस्सा तो हम बहुत पहले रहे थे, और फिर इसलिए कि हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था हमारा अपोजिशन के दौरान, तो हमें शोकॉज नोटिस दिया गया और PDM से आउट हुआ। तो तब से हम पीपल्स पार्टी और PDM का अलायंस के तहत जो है हमने हुकूमत संभाला था। PDM और पीपल्स पार्टी हुकूमत में साथ थे, मिलके हमने बहुत काम करने की कोशिश किए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजारते के जवाब दे हैं, PDM और PDM के सरबरा PDM के जो वजारते हैं वो जवाब दे हैं। फारूक, आई कांट हियर, सॉरी। आजकल वो टीवी पे बैठ के जो PMLN वाले हैं वो यही जमा ठहराते हैं कि जनाब पीपल पार्टी वाले हमारे साथ हैं, हमारा कोई केंद्र का वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हम साथ हैं। आपका तजुर्बा ये बेहतर रहा है, ठीक रहा? बिल्कुल नहीं नहीं मेरा खास तौर पे लोग सियासत में मेरा ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा, आपको सबको इंगेज करना पड़ेगा, इसलिए मसाइल इतने संगीन हैं कि यूनिटी के साथ आप के बग़ैर आप इन मसाइल के हल नहीं निकाल सकते। अफसोस के साथ ख़ास तौर पर यहाँ पंजाब में और मरकज़ी पंजाब में हमारा पॉलिटिक्स में इतना पोलराइजेशन हुआ है कि हम सियासी मुखालिफ के बजाय दुश्मन बन रहे हैं, ज़ाती दुश्मन बन रहे हैं, और इस तरीके से आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के मसाइल से नहीं निकाल सकेंगे। हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम फिर से बनाना पड़ेगा जिससे तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में अपने सियासत तो करते रहें लेकिन हम मिलके मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए। ये नफरत की सियासत, ये तकरीबसीम की सियासत, ये कालम गलोच की सियासत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।